हाय, वेलकम टू न्यू वीडियो। जो पिछली हमारी रामटेक की ट्रिप जो अधूरी रह गई थी, उसको अभी हम पूरा कर रहे हैं। पिछली बार मेरा फ्रेंड आया था कृष्णा, इस बार मेरे साडू मेरे साथ है, कमलेश और फैमिली है। वैसे पिकनिक को तो नहीं आया, कुछ अलग काम से आया, लेकिन चलो वो आपका जो वीडियो था लास्ट टाइम का, जो हम रामटेक का भी ट्रिप करने वाले थे साथ में, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाया। हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो कुंवर अभ्युसम में गया, तो अब उस चीज़ को एक महीना हो गया। बीच में मैं साउथ की ट्रिप भी करके आया, तो वो वीडियोस मैं डालूंगा इसके बाद। तो उसके पहले ही वीडियोस डालने के पहले मेरी रामटेक की ट्रिप हो रही थी, तो सोचा कि पहले रामटेक की वीडियो आप डाल देता हूँ और उसके बाद में मैं साउथ की ट्रिप की वीडियोज़ डालूँगा। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, 1.5 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, तो चलते हैं, देखते हैं रामटेक। पहुंच गए हैं रामटेक गढ़ मंदिर पे। डायरेक्ट फोर व्हीलर जो है ऊपर तक के आने के लिए रास्ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रामटेक की खासियत है, यहाँ पे बंदर बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मंकी है तो पेट पानी चलता रहता है सर, कुछ ना कुछ मिला है तो फायदा करके जाओ, देख कर जाओ सर। यहाँ पे ऊपर आके फोर्ट किले जैसा फील होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे किले जैसा बना हुआ है ये मंदिर गढ़ पे। और वो है मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर वहाँ से, उस प्रवेश द्वार से मंदिर शुरू होता है। तो पहले हम ऊपर का नज़ारा देखते हैं। रुक जा, प्रणीत रुक जा, इधर का फोटो आएगा।
लेकिन नहीं आए रामटेक के मंदिर में खड़ा हूँ अंदर में, और बहुत ही गजब का नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो मंदिर भी है बहुत ही सुंदर है, बहुत विशाल का मंदिर नहीं है लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे लक्ष्मण जी का राम जी का मंदिर है, लेकिन जो वास्तुकला है यहाँ की बहुत ही सुंदर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप नागपुर में रहते हो तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो मुझे लगता है आपने एक बार ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप कहीं नागपुर के बाहर रहते हो और अगर नागपुर में आने का प्लान करते हो तो कुछ समय निकाल के आप यहाँ पे भी आइए। तो माहौल तो यहाँ का जो आध्यात्मिक है बहुत ही, भजन चल रहा है इस वक्त में राम जी के मंदिर में, भजन चल रहा है तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और हार्डली वन आवर का डिस्टेंस है नागपुर से, तो अगर आप आते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा भी दिखता है ऊपर से, मंदिर से ऊपर से चढ़ के भी शायद हम ये देख सकते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कैसे जाते हैं और आगे का आपको भी दिखाता हूँ। तो अब ये सबसे जो टॉप ऑफ द व्यू है वहाँ पे है, और वहाँ से मैंने आपको जो है वो नज़ारा दिखाया है। अभी जैसे हमने गाड़ी लाई तो वो तो डायरेक्ट ऊपर तक के आ गई, लेकिन ये एक सीढ़िया जो है यहाँ से पहले लोग आते थे, अभी गाड़ी से आते हैं। तो यहाँ से आप सीढ़िया चढ़ के आ सकते हो ऊपर इस रास्ते से। तो कुछ इस तरह से है रामटेक गढ़ मंदिर राम जी का। अब यहाँ से हम कर रहे हैं प्रस्थान, कुछ खाते हैं खाना वगैरह और फिर निकलेंगे हम खिंडसी के लिए।
तो ज़बरदस्त गर्दी है यहाँ पे, जो सोचा नहीं था हमने। बीच में तो ट्रैफिक जाम भी लग गया था। तो आज छुट्टी का दिन है, दिवाली का दूसरा दिन है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी देखते हैं क्या चांस मिलता है हमें। वोटिंग करनी थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी खिंडसी लेक में हैं हम, और अभी जा रहे हैं बोटिंग की तरफ, और बहुत सही नज़ारा है। आपके बेटे का समय कितना है? फाइनली एक घंटा वेटिंग के बाद में हमारा नंबर आ गया है, और तो इधर बैठो और एक इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, पास जाओ, आखिरकार विराट फाइनली बैठ गए हम बोट पे। एक घंटे के वेटिंग के बाद बोट पे बैठ गए। बोर झाला अक्षित, तू आता विराट घरी जायचं अक्षित? चप्पू वाली म्हणजे हे चालू विराट बघ ना, चप्पू ते चप्पू विराट दस ते फिर ये रोजी अनुसार रहता है आपका कि 200 रुपए रोजी? ये वोट उनकी है। आपल्याला वेटिंग मध्ये अंधारच भेटला। कोण आहे हे? ते तर अजून तिकडे आहे गेली रे। राम सगळे एकदम सगळे एकदम छट्टा मारत ये सही समय है। वही तो कैमरे में देखो ना, व्यू क्या सही दिख रहा है। अपने को नहीं दिख रहा ऐसे में, लेकिन इस कैमरे वाले क्या आ रहा है, देखने वाले देखेंगे ना। अरे एकदम सही, बोट नंबर 4 बोट नंबर 18 प्लेटफार्म पे। मजा आ रही है तुम्हारा? तो अभी हमारी बोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम जा रहे किनारे पे वापस, और हम निकलेंगे अभी यहाँ से नागपुर। तो ये था हमारा रामटेक खिंडसी ट्रिप। तो हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी रहेगी कि इस बीच मैंने जो है, जो लास्ट टाइम मैं कुवारा भीवसेन आया था, उसके बाद में मैंने साउथ इंडिया की ट्रिप की है, वो वीडियोस डालने अभी बाकी है। तो अभी इसके बाद में जो है मैं साउथ इंडिया के वीडियोस डालूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप वो वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक्स।